क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में हर साल 1.2 ट्रिलियन टन कचरा पैदा होता है और साल 2100 तक विश्व में 3.6 ट्रिलियन टन कचरा पैदा होगा। गड्ढों में कचरा भरने पर हम कब तक निर्भर रह सकते हैं? क्या होगा अगर मुझे अपनी जगह चाहिए हो? स्पेस, इसका कितना खर्चा आएगा और इसका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा और इसमें क्या गलत हो सकता है? हमारी पृथ्वी पर पहले ही बहुत सारा कचरा है और परिस्थिति और भी बुरी होती जा रही है। ऐसे में अपना सारा कचरा अंतरिक्ष में भेजना बहुत आसान उपाय है। हम अंतरिक्ष में तो 1950 से जाते रहे हैं, ऐसे ये करना पाना बहुत ही आसान है जो कि संभव है। हम अपना कचरा अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, पर यकीनन ये इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत महंगा प्रयास होगा जिससे हर साल कई मिलियन रॉकेट को लॉन्च करने की आवश्यकता होगी, जो कि सिर्फ हमारे ग्लोबल वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि हमारे विश्व में अंतरिक्ष यात्रा को भी बाधा करेंगे। और ये तब जब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो। अंतरिक्ष युग की शुरुआत से अब तक हम 5,038 रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुके हैं। अंतरिक्ष में जांच के लिए हम नेपट्यून ग्रह तक यान भेज चुके हैं। 2018 में नासा ने सूर्य के बाहरी वायुमंडल में एक यान भेजा था जिसके मुताबिक हमारा सोलर सिस्टम इस काम के लिए तैयार है। पर यह काम होगा कैसे? एक Ariane 5 रॉकेट 1000 किलोग्राम का भार धरती की कक्षा के विस्तृत बिंदु तक ले जा सकता है। इसमें लगभग 200 मिलियन डॉलर की लागत आती है, पर जैसा कि विश्व की हर साल 1.2 बिलियन किलोग्राम कचरा पैदा होता है, इसलिए इस धरती को कचरा मुक्त करने के लिए हमें ऐसे 168 मिलियन Ariane 5 रॉकेट हर साल लॉन्च करने होंगे और इन सब में हर साल करीब 33 ट्रिलियन डॉलर खर्चा आएगा। हमें ऐसा करने के लिए खुद को तैयार करना होगा क्योंकि अभी विश्व का GDP 77 ट्रिलियन डॉलर है, इसलिए भी हम थोड़ा पीछे हैं। फिर पैसे नहीं, साधनों से ही पीछे हैं। 2017 में 91 ओरिएंटल रॉकेट लॉन्च किए गए, तो सुनने में भले ही ज्यादा लगे पर 168 मिलियन लॉन्चेस के सामने कुछ भी नहीं जो कि हमें चाहिए। और अगर हम अपने कचरा अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे नए स्पेस पोर्ट्स लॉन्च पैड बनाने होंगे और वो भी जल्दी। मान लें कि हम इस तरह ये सब बना भी लेते हैं, पर कुछ चीजें हैं जिसे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। रूस की सुरफों अंतरिक्ष प्रणाली अब तक की सबसे सफल प्रणाली है। इसकी सफलता दर प्रति 1000 लॉन्च के लिए वो 97 है। अब अगर हम 170 मिलियन लॉन्चेस के साथ कुछ परिस्थिति लेकर चलें तो हर रॉकेट 7000 किलो कचरा ले जा रहा है, जो से 3% अब सफलता दर ज्यादा दिलासा नहीं दे रहा है। न एक साल कुछ असामान्य दुर्घटना और हमारे वायुमंडल महासागर और मिट्टी पर क्या असर डालेगा, और साथ ही जान ले कि उस जान मारा कचरा जो कि आसमान से प्लास्टिक और भारी धातु की वर्षा होगी तो क्या होगा? तब क्या होगा जब एक असफल रॉकेट पूरे अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेस्ट ले जाएगा? तब क्या होगा जब एक स्पेस वेस्ट प्रोग्राम से होने वाली दुर्घटना और रेडिएशन हमारी धरती को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे? क्या हम इससे बच पाएंगे? 1978 में नासा के वैज्ञानिक रोनाल्ड कडलर ने एक सिद्धांत दिया था कि समय से अंतरिक्ष में मलबा इतना बढ़ जाएगा कि हमारी सैटेलाइट धरती की कक्षा के बाहर नहीं ले जा पाएंगे और अपनी जहरीली दुनिया में अपने ही से बनाए हुए कचरे के द्वारा सड़ना शुरू हो जाएंगे। हमें सोचना पसंद नहीं करते कि हमारा कचरा जाता कहाँ है, बस खुश जाते हैं कि हमारे सामने तो गायब हो गया है। बेशक हम इसे असल में अपने आंखों के सामने से गायब नहीं कर सकते और अंतरिक्ष में ये सोचकर नहीं भेज सकते कि वो चला जाएगा, पर क्या होगा वो वापस आ जाएगा। और ये एक दूसरा विषय है और फिर हम क्या होगा एक बनाएंगे जरूर।